आज इस वक्त हम अहमदाबाद शहर में जेडीएस छोड़ के फिर से आज रमेश दाकुड़गी साहब कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि वेलकम टू इंडियन न्यूज़, मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम अहमदाबाद शहर में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जो रमेश दाकुड़गी साहब, तो हम यहां पर जानना चाहेंगे क्योंकि हम आपको बताते चले कि पहले पिछले दिनों में वो कांग्रेस से रिज़ाइन दे के जेडीएस पार्टी में ज्वाइन हो गए थे। जेडीएस छोड़ के फिर से आज रमेश दाकुड़गी साहब कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि एमएलए राजशेखर पाटिल साहब, अभिषेक पाटिल साहब, अफसर साहब की मौजूदगी में, यहाँ पर भीमराव पाटिल साहब की मौजूदगी में रमेश दाकुड़गी साहब यहाँ फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। तो सर, आज देखने में आ रहा है कि आप भारी तादाद में आप यहाँ पर जेडीएस से छोड़कर रिज़ाइन देकर फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 महीने के पीछे हम रामनगर में देवेगौड़ा के माजी प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के सदारत में मैं जेडीएस ज्वाइन हुआ था। ज्वाइन होने के बाद मैं औराद विधानसभा क्षेत्र जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वैसे मैं टिकट पूछा गया था, ऑलमोस्ट ऑल टिकट भी फाइनल हुआ था। पार्टी ज्वाइन होने के बाद मैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 महीने काम करे औराद क्षेत्र में, पूरा हर गांव फिरे, हर मोहल्ला फिरे 4 महीने में। तो पहले 2 महीने में फिरे था, मैं कांग्रेस से फिरे था, लेकिन जेडीएस में ज्वाइन होने के बाद 3 महीने फिरे। फिरने के बाद जो वहाँ के जो पार्टी के वर्कर्स वहाँ पे पूरे गाँव लेवल पर बहुत कम है, पार्टी के अस्तित्व, पार्टी के संगठन बहुत कम रहने के वजह से हम लोग वहाँ पे पार्टी बनाना और उन लोगों के साथ लड़ना ये बहुत थोड़ा कठिन मुश्किल लग रहा था। ये बात पहले एमएलए साहब भी बोले थे, लेकिन हम जो जाने के बाद मेरे को महसूस हुआ कि वहाँ पे हम सिर्फ हवा में घूम रहे बोल के, लेकिन बाद में यहाँ पे जो हमारा ये रिलेशन था एमएलए साहब के साथ और यहाँ के हमारे सीनियर लीडर लोगों के साथ जो हमारा रिलेशन्स अच्छा था, वो सब लोग मेरे को एक अच्छा सुझाव दिए। अभी भी टाइम वक्त है, आपको अभी वक्त ज़्यादा नहीं गया, अभी 2-3 महीने के अंदर है, अब फिर वापस कांग्रेस में आ जाओ, आपका भविष्य भी यहाँ पे है, आपको साथ में एमएलए साहब है, एमएलए साहब के सदरत में हम पूरे क्षेत्र में काम करने का काम डिसाइड लेके इधर शुरू किए। दूसरी बात, भारत देश में बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आके और स्टेट गवर्नमेंट में आने के बाद जो भारत के संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरा उल्लंघन किया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के पिछड़े लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, माइनॉरिटी लोगों के लिए, जितने भी समाज के कमज़ोर तबके लोग हैं, उस लोगों के न्याय के लिए, उस लोगों को हक दिलाने के लिए संविधान में बहुत कुछ ऐसा एक्ट लाए हैं, लेकिन ये लोग ये एक एक एक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। पहली बार ये लोग पूरे भारत देश में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर्स है, उसको प्राइवेटाइजेशन सेक्टर बना के पूरे वहाँ पे रिजर्वेशन ख़त्म करें और एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करें। दूसरी बात, जो भी संवैधानिक संस्था है भारत देश के, संवैधानिक जो भी इंडिपेंडेंट जो सेंटर्स है वो सब बैड यूज़ कर ले रहे। एग्जाम्पल, अब ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ऐसा जुडिशियर डिपार्टमेंट है, ये पूरे इसको पूरे कंट्रोल में लेके पूरे अपोजिशन पार्टी को ख़त्म करके वो हिटलर जैसा प्रभुत्व यहाँ पे इंडिया में बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पूरे संविधान के ख़िलाफ़ है कि 130-135 करोड़ आबादी का देश है, ये सब धर्म, सब सामाजिक न्याय को देने के लिए संविधानबद्ध है, लेकिन इस संविधान को ख़त्म करने के प्रयास में है, ये वो संविधान को बचाना है, यहाँ का जमहूरियत को बचाना है, यहाँ के पब्लिक के, आम किसानों का, कार्मिक लोगों का न्याय देने का काम करने के लिए हम कांग्रेस के अंदर आके इसके साथ, कांग्रेस के साथ जुड़ के उसका एक हिस्सा होकर संघर्ष करके इस देश में लोगों को न्याय दिलाने के काम हम करेंगे। उसका सदारत हमारे एमएलए साहब रहेंगे, एमएलसी साहब रहेंगे, भीमराव पाटिल है, चंद्रशेखर पाटिल है, अभिषेक पाटिल है, और हमारा अफसर मियाँ है, पार्टी के सभी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, और उससे ज़्यादा हमारे वरिष्ठ नेता जो राजशेखर पाटिल साहब है, वो अगले चुनाव जो 8 महीने 7 महीने 2-1 साल के अंदर जो आने वाले हैं, उस चुनाव में हम बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे, इस देश की जमहूरियत, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने का काम करने के लिए हम पूरे तैयारी के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हर खेड़े गाँव को जाकर हम जन जागृति करके वो हम राज्य में और देश में
कांग्रेस सरकार लाने के लिए फिर कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं पूरे हुमनाबाद मत क्षेत्र के हुमनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति लोगों से मैं नम्र विनंती करते हैं। यहाँ पे राजशेखर पाटिल दिवंगत बसवराज पाटिल के लेकर अब तक जितने लोग भी यहाँ पे राजनीति में है वो पावर पॉलिटिक्स में है 50 साल से। वो पावर पॉलिटिक्स में कोई धर्म, कोई जात को ऐसा तारतम्य नहीं किए, डिफ्रेंसेस नहीं किए, सभी लोगों को सम्मान और न्याय देने के काम करे हैं। उन लोगों के साथ हम खड़ा होकर और अगले चुनाव में उनको बहुमत से ज़्यादा जिता के और एक बार कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट बनने की पूरी उम्मीद है। उस सरकार में और एक बार मंत्री बनाने के हम फिर कोशिश करेंगे, वो कामयाब भी हो सकता है। अभी तो आप ज्वाइन हो गए सर, तो आपकी ज्वाइनिंग में कौन कौन मौजूद थे सर यहाँ पर? देखो, मेरे साथ कोई छोड़ के कांग्रेस जेडीएस में नहीं है, मैं अकेला गया था। मेरे पूरे साथी हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, चाहे हमारे साथ जितने भी तालुका पंचायत मेंबर्स थे वो ये काम करे सभी लोग हैं और मैं अकेले गया, मैं अकेले आया है कि मेरे जितने भी वर्कर्स हैं आज पूरे मौजूद है, हर गांव से आए, पूरे हर समाज के लोग, लीडर लोग हैं, सभी लोग इसमें मौजूद लिए हैं। जी सर, आप जो ज्वाइन हो गए तो स्टेज पे कौन कौन शामिल थे? अहमदाबाद एमएलए राजशेखर पाटिल साहब थे, भीमराव पाटिल थे, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल थे, अभिषेक पाटिल थे, हमारा म्यूनसिपाली के अध्यक्ष थे, हमारा अफसर मेयर थे, और बड़े बहुत लोग हमारा महिला कांग्रेस के लोग थे, युवा कांग्रेस के लोग थे, पूरे हमारा कार्यकर्ता और दलित संगठन के लोग भी थे, मराठा समाज के, लिंगा समाज के, माइनॉरिटी समाज के, पूरे समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आज के प्रोग्राम में सभी लोग आकर इस प्रोग्राम को कामयाबी बने, इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में जो रमेश दाकुड़गी साहब, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी से रिजाइन देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ पे, NN24 न्यूज़ पे। थैंक यू।